जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों की स्वर्णिम शुरुआत। पहले दिन 3 स्वर्ण 2 कांस्य और दूसरे दिन जीते 3 रजत पदक। दिल्ली के आर्मी पोलो रॉयडिंग सेंटर पर खेली जा रही जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को 8 पदक दिलाए हैं। इनमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री माननीय यशोधरा राजे सिंधिया ने जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को आगामी इवेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। इन खिलाड़ियों ने जीते पदक प्रतियोगिता के पहले दिन ग्रुप 1 जंपिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी भोलू परमार ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिलाया। ग्रुप 1 जंपिंग के टीम इवेंट में भी अकादमी के घुड़सवारों ने 1 स्वर्ण पदक अर्जित किया। टीम में अर्जुन मलैया, भोलू परमार, ज्योति और मोहम्मद हमजा आप शामिल थे। प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्रुप 2 देसास टीम स्पर्धा में भी अकादमी के खिलाड़ी अर्जुन सिंह, अविक और मानिया ने 1 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाया, जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में अर्जुन सिंह ने कांस्य पदक अर्जित किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज खेले गए ग्रुप 1 रेसाज की व्यक्तिगत स्पर्धा में भोलू परमार ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया, जबकि टीम स्पर्धा में भोलू परमार और ज्योति ने रजत पदक अर्जित किया। इसी तरह प्रतियोगिता के ग्रुप 2 जंपिंग टीम इवेंट में भी अर्जुन सिंह और कृष्णा जोशी ने रजत पदक प्राप्त किया। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक कैप्टन भागीरथ ने बताया कि दिल्ली में 30 दिसंबर तक खेली जा रही जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में अकादमी के 9 बालक और 5 बालिकाओं सहित 14 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड